हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास नाइन्थ में स्टडी कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर मासिक परीक्षा 26 अक्टूबर का हिंदी का होने वाला, ठीक है। उसी का यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए। तो आपके बीच यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए। इसका आंसर कैसे डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो समय आपको सारा कुछ बता दिया। ऑब्जेक्टिव में 1.5 घंटा का समय रहेगा, पूर्णांक रहेगा 50 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिए, नहीं देखे जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न जो है किस तरह का यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर के साथ हम बताने वाले, ठीक है। चलिए यहाँ पर बा में खंड बा में दिया गया निम्नलिखित प्रश्न के लिए 5 प्रश्न का देना है। तो यहाँ पर 5 ही प्रश्न का मैं पर स्क्रीनशॉट लगाए हैं आंसर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है कि भगजोगनी का संदौर क्यों नहीं खिल सका, ठीक है। अगला कारण, नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तीसरा नंबर, बिरजू के पिता ने कितनी जमीन जो है ना हासिल की। घा नंबर देखिए, चौथा नंबर यानी गर्मी के दिनों में अष्टावक्र की माँ कहाँ सोया करती थी, तो पेड़ के नीचे जो है ना सोया करती थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक जो है ना किन्हें था, तो 5 का ही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से 250 से 300 शब्द क्या लिखना है, निबंध लिखना है। मेरे प्रिय जीवन का लक्ष्य समय का दुरुपयोग, मेरे प्रिय शिक्षक या दुर्गा पूजा। आपको दुर्गा पूजा बताए हैं ना, देख लीजिएगा दुर्गा पूजा पे आप लोग यहाँ पर लिखने का रहा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में कह रहा है आपका पुस्तक खरीदने हेतु मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। या तो विद्यालय में नए शिक्षक अपने आने को लेकर दोनों के बीच का संवाद को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर संवाद को लिखना है, ये आपका 5 मार्क्स का आपका होने वाला है, ठीक है। ऊपर जो बताया था 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है, यानी 20 और 5 25 मार्क्स का पूरा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए अच्छे तरीके से। साथ में इसका क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कहाँ से आप लोग लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है पहला का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि भगजोगनी का सौंदर्य इसलिए ना खिल सका क्योंकि बेहद गरीब लड़की थी, ठीक है। बेहद गरीब लड़की, तो उसके गरीबी का हाल ये था कि भोजन भी यानी कि तरसती थी, भोजन के लिए दाने दाने भी क्या तरसती थी, इसलिए इनको लिए क्या था मोहताज थी। कपड़े पहनने के नाम पर कमर में एक चितड़ा कपड़ा लपेटे रहती थी, ठीक है। इतना गरीब थे कि ये मत पूछिए इससे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर का ये आंसर हुआ, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं दूसरा का ये आंसर हुआ, ठीक है, दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का यहाँ पर देख सकते हैं ग नंबर, ठीक है। ग नंबर क्या कहा जा रहा है, ग नंबर का बिरजू की माँ के माने माने रहकर जंगी पुतों की, इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर घा का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद वाला जो हम आपको बताने वाला है कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करने के बाद सर्च क्या करना है, जस्टवेल एजुकेशन सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जस्टवेल एजुकेशन, देख रहे हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप लोग इसको सर्च करते हैं ना, जैसे आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास से यहाँ पर नाइन्थ वाला सेक्शन पर क्या चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नेटवर्क में इशू है, देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा क्लास नाइन्थ, देख सकते हैं इस तरह से आपको ओपन होकर आएगा, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना होम पेज पे, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास नाइन्थ का दिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास नाइन्थ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लास नाइन्थ वाले सेक्शन पे आपको नीचे आ जाना। अब नीचे आने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर दिया गया क्लास नाइन्थ जो ना ऑल मासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इसी पर सारा विद्यार्थियों को नाइन्थ वाले विद्यार्थी पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आपको एनुअल एग्जाम का दिया गया लेकिन ऊपर मासिक परीक्षा का दिया, तो मासिक परीक्षा पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देखिए मासिक परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर यहाँ वायरल हो चुका है, यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का साथ। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी है तो हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे, संस्कृत है संस्कृत क्लिक, साइंस साइंस वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना है, हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया बिल्कुल सही से, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी यहाँ पर अपडेटेड है, यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर भी दे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ है ना अपडेटेड। यहाँ पर जो है प्रश्न के साथ यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है। अब उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया, इससे आपको लिख सकते हैं, जाकर फटाफट जाइए और लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा का आपका जो ना ये आंसर होने वाला है, दूसरा का भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। इसी तरह जो ना सभी लोग फटाफट जाइए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम गर्दा कर दीजिए एग्जाम में जाकर, ठीक है। आप लोग आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।